वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन की आवाज़ में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फाइनली जा रहा हूँ मेरे गांव, और मेरी जो ट्रेन है, मेरी ट्रेन आ चुकी है और अभी मैं आगे की रवानगी लेता हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ। तो वहाँ के जो भी नज़दीकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो कुछ भी है, वो मैं सारा कुछ आपको दिखाऊँगा। और चलिए फ्रेंड, तो चलते भी सफ़र में आगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी काव्या में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली मैं अभी पहुंच गया हूं कमलापति, जो स्टेशन है रानी कमलापति स्टेशन, जिसका नाम पुराना हबीबगंज था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। जहाँ तक इनके बारे में चंदेक में बात करूँ, तो ये 18वीं शताब्दी की महारानी वीरांगना जो महारानी थी यहाँ की, और 18वीं शताब्दी के कोई राजा थे निजाम शाह, जिनकी ये पत्नी थी, जिनके नाम पर ये स्टेशन का नामकरण जो है किया गया है। यहाँ इसका स्टेशन का पुराना नाम जो ये भोपाल का जो स्टेशन है, भोपाल का स्टेशन, इसका नाम पहले हबीबगंज था, हबीबगंज से अभी बदल कर रानी कमलापति स्टेशन के नाम पर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उसकी एक झलक जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लग्जरी और बहुत ही अच्छा है इस प्लेटफॉर्म को बनाया और सवारा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मेरी ट्रेन खड़ी हुई है, जिस ट्रेन से मैं आया हूँ। और आप लोग जहाँ तक यहाँ का व्यू देख सकते हैं कि बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है, अच्छा तरीके से बनाया हुआ है। और ये मैं आपको नीचे का रास्ता दिखाता हूँ, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर जो है यहाँ से इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इसको बनाया हुआ है। और यहाँ पर इन्हें एक भूमिगत निकास का एक बोर्ड भी लगाया हुआ है। और ये कैंटीन फैसिलिटी वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये तो मैं अभी जो है ये प्लेटफॉर्म नंबर मैं श्योर नहीं हूँ कि किस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी आई हुई है। अभी जहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको संवारा हुआ है, बहुत ही अच्छा स्टेशन बनाया है। ये भोपाल सिटी से पीछे साइड में है, ये भोपाल सिटी से आप लोग देख सकते हैं कि ये पीछे साइड में स्टेशन है। और काफ़ी साफ़ सफाई है आप, और क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ दिन पहले आए थे, और जहाँ तक मैं उन सारे अपडेट्स को आप सबके बीच में शेयर करते रहता हूँ, जो जहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं मैं उन प्लेसेस को फॉलो करता हूँ स्पेशली। काफ़ी आपको साफ़ सफाई दिख रही होगी यहाँ पर, और एकदम काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। कैसा है भैया स्टेशन, अच्छा है? एक नंबर स्टेशन है। तो आप लोगों के ओपिनियंस भी प्राप्त कर रहे होंगे, यहाँ पर एक भैया मिले मुझे तो वो उनका भी यही कहना है कि बहुत अच्छा स्टेशन बनाया हुआ है, काफ़ी साफ़ सफाई है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ एक बार फिर से, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। फिर मैं इस रास्ते को आपको फिर से दिखा रहा हूँ, भूमिगत जो निकास बनाया है, एग्जिट सब वे बिल्कुल ज़मीन, ये मैंने मतलब ये इस चीज़ को मैंने कहीं दूसरी जगह नहीं देखा, ये मैं फर्स्ट बार ही देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि इस टाइप का रास्ता बनाया, जनता की जो भी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए इस टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पर, कि ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लोग बड़े इजीली अपना सामान जो है ये भूमिगत निकास से लेकर जाते हुए। तो स्टेशन की मैं कुछ चंद एक बातें, कुछ खासियत मेरे वो ये कुली भैया मिले हैं यहाँ पे, कुछ बताएंगे, क्या बताना चाहेंगे? ये भारत का सबसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, इसमें सबसे आधुनिक है पूरा सिस्टम। अच्छा अच्छा। यहाँ पर लिफ्ट एक्सीटर रहता है यात्रियों के लिए, अपनी सुविधा है, ऊपर ब्रिज पर 1000 यात्री है। अच्छा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जहाँ तक भैया ने मुझे बताया कि 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था, एस्केलेटर सिस्टम, सीढ़ियों चढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। मैं वहाँ तक आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मेरी गाड़ी अभी खड़ी हुई है, मुझे आगे का भी रास्ता कवर करना है। और ओके, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया शुक्रिया। और फ्रेंड्स, ये काव्या जो है, काव्या भी यहाँ पर बैठी है, काव्या काफ़ी खुश है, आए देख रहे इसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। और चलो यार, मज़ा आ गया ना? हाँ मज़ा आ गया, बाहर का वीडियो पूरा शूट किया, ठीक है।
चलो ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय।